टिकटॉकर टीम 07 के लड़कों ने फिर साबित कर दिया है कि उनके खून में भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है। मौका आएगा तो वो देश के खिलाफ दुश्मनी निभाने से भी नहीं चुकेंगे। अदनान शेख ने आतंकवादियों का सपोर्ट किया है, उसने मुंबई की सड़कों पर फिलिस्तीन के आतंकियों का समर्थन किया और इसका वीडियो बनाकर भी पोस्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही गालियां पड़ी उसने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। फिलिस्तीन के आतंकियों ने इसराइल में धर्म के नाम पर 5000 रॉकेट दाग दिए। इसराइल में चारों तरफ लाशों का अंबार लगा दिया। इस युद्ध में भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इसराइल के साथ खड़े हैं। वहीं फिलिस्तीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है, क्योंकि वो खुद एक आतंकी मुल्क है जो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। भारत में भी ऐसे कम लोग नहीं हैं जो इस जंग में फिलिस्तीन के आतंकियों के खून बहाने का समर्थन कर रहे हैं। टिकटॉकर और सेलिब्रिटी अदनान शेख ने भी फिलिस्तीन के आतंकियों का समर्थन किया है। उसने अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें उसके हाथ में आप फिलिस्तीन का झंडा देख सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने आतंकियों का समर्थन करते हुए ये वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लोग इस पर भड़क उठेंगे। लोगों ने जैसे ही अदनान को गालियां देना शुरू किया उसने फटाफट ये वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो वायरल हो गया। अब लोग इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट कर मुंबई पुलिस को टैग कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अदनान ने फिलिस्तीन के आतंकियों के खून खराबे का समर्थन किया है और वो आतंकी जो इसराइल में मासूमों का खून बहा रहे हैं उसे जायज ठहराया है। साल 2019 में अदनान शेख को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा था, क्योंकि उसने तवरेज अंसारी का समर्थन करते हुए एक वीडियो बनाया था। इस मामले को लेकर पूरी टीम 07 के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर अदनान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।